सत्संग है, नित्य प्रति सत्संग में आना, संतों महापुरुषों के पावन आशीष वचन सुनना, ये हमारी आत्मा का भोजन है। सो इसलिए जो हमारे गुरु ने रैपुर ने हमें संदेश दिए है, अंतकाल भी रहेगा निराकार प्रताप, पहले सत स्वरूप था यह अविनाशी, आप मध्य व्यापक हो रहा इसको तू मन जाप, अंतकाल भी रहेगा निराकार प्रताप। बस इसी लाइन को समझ लो, कितनी ऊंची बात कही गुरु महाराज ने और सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपके समक्ष रख दी। तो इस बात को समझो, किसी से ये नहीं है कि कोई आपको भगवान को आगे ये कहेगा, ये भगवान कहेगा आओ मुझे देख लो, भगवान कभी किसी को नहीं कहता। ये तो सदगुरु, धन्य है सदगुरु भगवान, ये सदगुरु जीवन पर्यंत हम आपके ऋण रहेंगे, जीवात्मा आपके ऋण रहेगी। आपने इसको इसके निज स्वरूप का बोध करा दिया, ज्ञान करा दिया, और ये सदगुरु ऐसी सी कृपा सबके ऊपर करो ताकि ये जो जीव है, जो जातियों के, धर्मों के, वर्णों के, संप्रदायों के, प्रतीकों के, चिन्हों के, ग्रंथों के, वेदों शास्त्रों के आधार पर जो बहसबाजी कर रहा है, जो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ लड़ के मर रहा है, किसी गुरु ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा। तो हे सदगुरु, ऐसी सबको सद्बुद्धि दो, ऐसी सबको ज्ञान दो, ऐसी अपनी जो प्रेम भक्ति दो, अपने चरण की भक्ति दो, तो अंतकाल भी रहेगा निराकार प्रताप। अब देखिए, जो अंतकाल में रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया सगुण और निर्गुण जो दो स्वरूप परमेश्वर के हैं, सगुण ये जो अखिल ब्रह्मांड के अंदर जो सारा जो प्रपंच हम देख रहे हैं, आंखों से दृष्टिमान जो जगत है, जो परिवर्तनशील जगत है, जो पंच भौतिक जगत है, जो हमेशा परिवर्तन होता रहता है, यह सगुण ब्रह्म है। यह परमेश्वर की रचना है, कायनात है, परमात्मा का एक परिवार है। हमारे जितने भी आए दाएं बाएं चारों तरफ हमारे जो देखने को मिलता है, सब परमेश्वर की सृष्टि है, परमात्मा का साम्राज्य है, मेरे परमपिता परमेश्वर का साम्राज्य है। तो ये समझ लो कि हमारा पिता जिसके हम अंश हैं, हमारा सदगुरु जो हमें इतना सुंदर संदेश दे रहा है, वो कितने बड़े साम्राज्य का मालिक है, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। तो अगर इतना बड़ा हमारा पिता हो, तो हम अगर ऐसे पिता की संतान है, तो हम भी साथ संग जी, जो ये प्राकृति का सौंदर्य है, ये परमेश्वर ने कितना हमारे लिए सब कुछ पैदा किया है, ये सब अपना जीवन यापन करने के लिए परमेश्वर ने हमें कितनी बड़ी सौगात दी है, और ये नारायणी दे दी है, ये मनुष्य जन्म जो दिया है, ये जो मनुष्य शरीर दिया है, जिसको देवी देवता भी तरसते हैं, जिस देही को सिमरे देव सो देही बचारी की सेवा, ऐसा सब बनने के लिए, हमारे जैसा और आप जैसा बनने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। क्योंकि आपको मैंने बहुत बार अर्ज किया है कि जो परमेश्वर की बंदगी होती है, खुदा की इबादत होती है, वो सिर्फ इसी मनुष्य शरीर में ही होती है, दूसरे शरीरों में प्रभु बंदगी नहीं हो सकती। इसीलिए इसको नर नारायणी देह कहा गया, किसी नर की देह के अंदर नारायण वास करता है। सो अंतकाल भी रहेगा निराकार प्रताप, तो पहले भी यहां पर निराकार ही निराकार था, निर्गुण 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 था, गुण सर्वाधार जो परमेश्वर सत्ता है, जो परम चैतन्य हस्ती है, जो ये ऊर्जा का भंडार है, ये परम चैतन्य है, ऊर्जा का भंडार है, सबका आधार है, खुद निराधार है, अनेकों प्रकार का रंग रूप आकार पैदा किया, खुद निराकार है, सब कुछ करना करता धरता खुद है, और फिर भी करता रहता है, ना करता सी ना भुगता सी मुक्ते वासी सर्वदा, ना कोई करता भाव है, सब कुछ करने के बाद में भी करता भाव नहीं। और ये जीव तो थोड़ा सा कुछ कर लेता है, उसमें फटने वाला हो जाता है, गुब्बारे की तरह फूल जाता है कि मैंने ये किया है, आई हैव डन दिस एंड आई डू दिस,
बस बस ये डू डिड डन में ही फंसा रहता है। लेकिन परमेश्वर ने जो हमें किस तरीके से प्रकृति में ज्ञान फैला हुआ है बस समझने की और साथ समिति जानने की जरूरत है। तो पहले भी निराकार निर्गुण निराकार सर्वाधार परम तत्व परम चेतन ने हस्ती थी, यहां पर अब भी है, चाहे आप जानते हो ना जानते हो एक अलग बात है। और मैंने आपको बहुत बार शासक जी ये बेनती की है, आज भी आपके चरण में अरदास कर दूं कि जो परम तत्व है परम तत्व से बिना कुछ नहीं है। तो जो अध्यात्म है ये मानने का मार्ग नहीं है, ये जानने का विषय है। जानने का विषय तो जानो, जानो हम सृष्टि के ऊपर क्यों पैदा हुए हैं, ये भली भांति जानो कि हमारा पंच भौतिक शरीर को धारण करने का और इस सृष्टि के ऊपर आने का क्या हमारा औचित्य है, किस प्रयोजन के लिए हम आए हैं और कहां से हम आए हैं, कहां हमने जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सब करने धरने वाली बातें नहीं है, ये कोई समय का स्पिरिचुअल गाइड हमें मिल जाए। परिपूर्ण आवर स्पिरिचुअल गाइड शुड बी वेरी मच एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट इन ऑल द वेज। तो मैं आपको बार बार अर्ज करता हूँ कि सबसे पहली जरूरत हमारे जीवन में यही है कि हमारा जो गाइड है, जो आध्यात्मिक गुरु है, आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक है, अध्यात्म की राह के ऊपर जो प्रेरणा देने वाला हमारा जो गाइड है, जो हमारा सदगुरु है, वो साथ संगत जी कंप्लीट होना चाहिए, अपने आप में परिपूर्ण होना चाहिए, अपने आप में साथ संगत जी समृद्ध होना चाहिए, हर सब कुछ करने में समृद्ध होना चाहिए। तो ऐसा सदगुरु जब हमारे जीवन में आएगा जो परमात्मा को तत्व से जानता है, फिर ये गुत्थी सुन देगी ऐसी नहीं सुन सकती। तो अंतकाल भी रहेगा निराकार प्रताप, जब तक जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी ये निराकार सत्ता यहाँ पर थी जो सारे अखिल ब्रह्मांड के अंदर व्यापक है। और जब ये सारी जो पांचों तत्व ये सारे जो अखिल ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए तब भी ये सत्ता यहीं पर है। और जब ये सृष्टि प्रलय होगी, क्योंकि ये सृष्टि बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, प्रलय आती रहती है, ये परमेश्वर परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा सारी सृष्टि को बैलेंस अपने तरीके से करता है। तो कोई ना कोई कारण बन जाता है तो अपनी सृष्टि को ये बैलेंस करता है। तो अंतकाल भी रहेगा निराकार प्रताप, तो पहले भी निराकार था, अब भी निराकार है, आगे भी निराकार रहेगा। और परम तत्व जो है वो निर्गुण है, निराकार है, सर्वाधार है, विश्वाधार है, सब कुछ परम तत्व है। बस एक के बाद में जो दूसरी बात हमारे अंदर आती है बस ये द्वैत है। और जहां पर दो हो जाते हैं, दो विचार हो जाते हैं, दो बातें हो जाती हैं, दो मन हो जाते हैं, दो मतें हो जाती हैं, वहां पर फिर विरोधाभास हो जाता है, द्वेष हो जाता है। तो जो दो है जहां पर वहां पर द्वेष है, वहां पर शांति नहीं हो सकती, वहां पर सबूरी नहीं हो सकती, वहां पर परमेश्वर से मिलन नहीं हो सकता, वहां पर परमात्मा के साथ जीते जी एक रस नहीं हुआ जा सकता। इसलिए भक्ति मार्ग के अंदर सबसे बड़ी जो रुकावटें हैं, जो परमेश्वर को मिलने के लिए जो रुकावटें हैं, वो अहम भाव है कि मैं ये कर रहा हूं, आप कुछ नहीं कर रहे, आप निमित्त मात्र हो, आपके माध्यम से कोई सत्ता काम कर रही है। तो जब अहम भाव से, कर्ता भाव से, भोक्ता भाव से जो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है, इससे जब जो योगी है वो टूट जाएगा, साधु टूट जाएगा, फिर उसकी दिनों दिन उसके आध्यात्मिक जीवन में जो है प्रोग्रेस होती रहेगी। इसलिए संसारिक जड़ वस्तुएं हैं, जो नाशवान पदार्थें हैं, इनको संग्रह करने की प्रवृत्ति को छोड़ना है और संसार के अंदर कर्म योगी बनकर और ज्ञान योगी बनकर जीना है। क्योंकि जो ज्ञान योगी है साध संगत जी, वो ज्ञान की तलवार से सारी अज्ञानता को, अंधकार को, अंधविश्वासों को काटता चला जाता है। सो चलो इस सब अंधविश्वास को, ये जो बाहर मुखी जो बातें हैं, जो बाहर मुखी जो रीति रिवाज है, निरर्थक जो रिवाज है,
इनको ज्ञान की तलवार से काट दे।